प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के कुरुभात नामक स्थान से राष्ट्रीय रूबर्न मिशन का शुभारंभ किया और कहा था कि रूबर्न मिशन ग्रामीण आत्मा और शहरी सुविधाओं से युक्त क्लस्टर आधारित विकास करने में सक्षम होगा। उन्होंने कहा कि यह योजना स्मार्ट गांवों का निर्माण करके स्मार्ट शहरों की पहल की पूरक बनेगी, जिसका सीधा असर छत्तीसगढ़ के गाँव में दिखाई दे रहा है। गाँव गाँव को रूबर्न मिशन के अंतर्गत जोड़ा जा रहा है। गाँव गाँव में हाट बाजार बन रही है। जिस जगह पर कीचड़ में बैठकर बाजार लगती थी, अब उस जगह पर हाट बाजार का निर्माण किया गया है, जहां ग्रामीणों और सब्जी बेचने वालों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में हाट बाजार का विशेष महत्व है। धमतरी जिले में राष्ट्रीय रूबर्न मिशन के अंतर्गत लोहरसी क्लस्टर में ग्राम पंचायत भानुपुरी में राशि 20 लाख रूपए की लागत से सुसज्जित व सुव्यवस्थित हाट बाजार का निर्माण किया गया है। इस हाट बाजार का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीणों द्वारा उत्पादित हरी साग सब्जी एवं लोगों की आवश्यकता की पूर्ति की महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। राष्ट्रीय रूबर्न मिशन के अंतर्गत इसमें हाट बाजार को पंचायत द्वारा एक वर्ष के लिए 35,000 रुपए की दर से नीलामी किया गया है। उक्त राशि का उपयोग ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम संबंधित विभिन्न विकास कार्यों के लिए उपयोग में किया जा रहा है। आपको बता दें कि जिले के 5 ग्राम पंचायत देमरा, पसातराई, खपरी, भानुपुरी, तेल नसत्ती में रूबर्न मिशन योजना के अंतर्गत पूर्व निर्मित ग्रामीण हाट बाजार में 1,75,000 रुपए की लागत से पोताई एवं आकर्षण चित्रकारी से सजाया संवारा जा रहा है। हमारा ग्राम भानपुरी राष्ट्रीय रूरल मिशन योजना लोहर सिंह क्लस्टर के अंतर्गत आता है। हमारे ग्राम में रूरल मिशन योजना से 20 लाख की राशि से हाट बाजार का निर्माण किया गया है, जिसको ग्राम पंचायत द्वारा हर वर्ष नीलाम किया जाता है। यहाँ पर हर बुधवार को साप्ताहिक बाजार लगता है, जिसमें आसपास के सब्जी विक्रेता आकर जीविकोपार्जन करते हैं। ग्रामवासी को भी सभी सब्जी भाजी खरीद कर सभी प्रकार की सुविधा मिलती है। रूरल मिशन से जुड़ने से समस्त ग्रामवासी काफी खुश है। पहले कैसे अच्छे यहाँ पे जो चपुतरा नहीं बना था, वैसे परेशानी होती थी, यहाँ पे बाजार जो लगता था बहुत परेशानियां हुआ करते थे, और चबूतरा बनने से सब्जी विक्रेता भी बहुत खुश है। जी हाँ जी हाँ, ग्रामवासी को भी हरी सब्जी और हर प्रकार की सुविधा मिल जाती है, इससे ग्रामवासी बहुत खुश है। और रूरल मिशन योजना से जुड़ने से अनेक प्रकार के विकास कार्य हुए हैं, इससे भी काफी खुश है ग्रामवासी। और इस बाजार की राशि को ग्राम के विकास कार्य के लिए उपयोग किया जाता है। ग्रामवासी बहुत खुश जाहिर करते हैं, खुशी जाहिर करते हैं। रूरल मिशन में तालाब सौंदर्य का कार्य हुआ है, आदर्श गौठान निर्माण हुआ है, ठोस अवशिष्ट प्रबंधक का निर्माण हुआ है, और सीसी रोड और कई प्रकार की विकास कार्य हुआ है, जिससे ग्रामवासी काफी खुश है। ग्राम पंचायत भानुपुरी सरपंच उत्तरा साहू ने बताया कि वर्ष 2017-18 में राष्ट्रीय रूबर्न मिशन के अंतर्गत हाट बाजार का निर्माण किया गया है। यहां प्रति बुधवार को साप्ताहिक बाजार लगता है, जिसमें आसपास के फुटकर सब्जी विक्रेता अपने जीवन उपार्जन हेतु एक ही स्थान में सब्जी लगाकर अपनी आमदनी के जरिए को बढ़ा रहे हैं। ग्रामीण जनों को सुविधा के साथ साथ जरूरत की चीजें एक ही स्थान पर उपलब्ध होने लगी है, जिससे ग्रामीणों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। ग्रामों को सहरसों में मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिलने लगा है। वहीं ग्रामीणों की माने तो पहले तो हाट बाजार का निर्माण नहीं होने से कीचड़ों में होकर सब्जी को खरीदने जाना पड़ता था, या फिर ताजी सब्जी के लिए शहरों का रुख करना पड़ता था। अब हाट बाजार बनने से ग्रामीणों में उपयुक्त स्थान पे अनेकानेक प्रकार की ताजी एवं हरी सब्जियों उपलब्ध हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें सब्जियों के क्रय हेतु शहर की ओर रुख नहीं करना पड़ता, तथा सब्जी विक्रेताओं की विक्रय हेतु सुव्यवस्थित स्थान की उपलब्धता हो जाने के कारण विशेष रुचि देखने को प्राप्त हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है, इससे 2 साल पहले कुछ नहीं था, अब तो बहुत अच्छे तरीके में हो रहे हैं। इसमें कोई परेशानी नहीं आ रहा अभी के डेट में, पहले तो बहुत परेशानी था, बारिश के दिन में बारिश में भीगना पड़ता था, धूप के दिन में धूप में वो होता है ना, आज के डेट में बहुत अच्छा हो रहा है। यहाँ तो हमने साल भर हो गया यहाँ पे आए, पहले वहाँ लगता था मार्केट, सब चीज रेडी है यहाँ पे।
हाँ भैया निर्माण तो बैठे बैठे बढ़िया बन जाते हैं। और आज मैं अपने गांव में सब्जी खरीदने आई हूँ। क्या क्या सब्जी है? केले की सब्जी है, करेला है, और अभी खरीदना बाकी है, थोड़ा सा खरीदी हूँ। यहाँ पे स्थिति जो परिवर्तन हुआ है किस तरह कैसा लग रहा है? हाँ, पहले सिस्टमेटिक नहीं था, अब अच्छे से बारिश वगैरह होता है ना, फिर भी पहले इधर उधर हटाना पड़ता था, और जो सब्जी बेचने वाले हैं उन लोग को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, उनका सब्जी बिक नहीं पाता था अच्छे से, और गांव के लोगों को भी मतलब पूरा नहीं खरीद पाते थे वो, और इधर उधर हटाना पड़ता था सामान को, और कीचड़ हो जाते थे तो टाइम टाइम पर नहीं आ पाते, लग पाता था बाजार। तो अभी जो है ना, यहाँ जो बना है रूर्बल योजना के तहत जुड़ा हुआ है, तो उसके तहत यहाँ बाजार का अच्छे से निर्माण कराया गया है, तो बारिश वगैरह से भी बच जाता है अच्छे से, और सब सामान जो है सिस्टमेटिक रखा रहता है, तो खरीदने में भी लाइट वाइट का भी व्यवस्था किया गया है। हाँ, तो हम रात तक भी अच्छे से खरीद सकते हैं ताजी सब्जियाँ, अपने मन से छांट कर उसको अच्छे से खरीद सकते हैं। हाँ, पहले जो है गांव में अच्छे से सब्जियां नहीं मिल पाती थी ताजी सब्जियां, तो शहर जाना पड़ता था, लेकिन अब आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, तो जिन लोग नहीं जा पाते थे गाड़ी वगैरह के कारण, तो लोग भी आराम से खरीद पाते हैं सब्जियां, तो ये सुविधा हमें बहुत अच्छी लगी, और हमारे सरपंच जी को धन्यवाद देते हैं इनके लिए। ऐसे तो बाजार सबसे पहले बीज बस्ती में हो, मतलब राहत रही से, ओकर बाद शॉर्टेज हो से, शॉर्टेज हुई जगह है, ओकर बाद क्या कहते यहाँ लाया गया, तो इसने मतलब यह जमीन में बैठा रही है, ओकर बाद क्या है रूबन मिशन के अंतर्गत जो हमारे गांव है जुड़ी से, और जुड़ी से तो ये सेट वगैरह सब बनी से, ओकर से बहुत ही सुविधा मिली से, मतलब जो सब्जी विक्रेता वगैरह है, लेन देन करने वाला है, आने जाने में छांव और बारिश ये सब की मतलब अच्छा पोजीशन बनी से। हाँ, पहले का जैसे नहीं, कीचड़ बहुत ज्यादा रही से, कीचड़ रही से बैठे पर तकलीफ होत रही से, आने जाने वाला ला मतलब बहुत असुविधा महसूस होत रही से, सब्जी बेचने वाला भी, हाँ लेने वाला भी, और ये का है एकड़ बने से बहुत ही अच्छा लगा थे सेट वगैरह से, और लाइटिंग भी बढ़िया है, और यहाँ जो फोटो वोटो मोनो वगैरह से छपे है ना, बहुत ही मतलब प्रेरणादायक है, अच्छा ही आनंद आते, अब बहुत ही मतलब शहर से भी हमारे यहाँ की जो है ना भानपुरी का जो बाजार हाट बाजार है बहुत ही अच्छा आनंद आते, यहाँ रोज ताजा सब्जी लेते हैं, यहाँ भोती पार है, तरसीमा है या पोटियादी है, यहाँ के जब विक्रेता लोग सब आते हैं यहाँ हमारे यहाँ, और हर सप्ताह मतलब सप्ताह भर के लिए कम से कम मतलब हरा सब्जी मिल जाता है, अपना पर्याप्त है कि और भी हमें कुछ काम होना चाहिए? ऐसे तो ठीक है लगा थे लगे भर, और मतलब कुछ दिन के बाद माल जरूरत महसूस हुई, वो फिर भी और तैयार हो जाएगी, मतलब अपना गांव वाला ना ठीक है पर्याप्त है। ग्रामीण हरण इसी का बताओ भानपुरी पंचायत में रिलबन क्षेत्र में जो एक शामिल एक पंचायत है वहाँ पे हमने हाट बाज़ार जो कंस्ट्रक्शंस करवाया है उसमें हमारा कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में ये सोच था कि सर्व सुविधायुक्त वहाँ पे रिलबन क्षेत्र है तो सिटी के तौर पर जो हाट बाज़ार जो बनती है फिर मार्केट प्लेस जो बनती है उसी तरीके से वहाँ पे सर्व सुविधायुक्त हाट बाज़ार कंस्ट्रक्शन करने की हमारी कोशिश है। कुल रर्बन लोहारसी रर्बन क्षेत्र में कुल 5 हाट बाज़ार कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं उसमें से 4 कंप्लीशन पे है, 4 कंप्लीट हो गया है, एक का जो है थोड़ा सा पेंटिंग बचा हुआ है वो भी इस महीने के अंत तक कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हमने ये सोच लगाया कि हफ्ते में एक दिन जो हाट बाज़ार लगती है बाकी 6 दिन में उसकी रख रखाव के लिए पूरा वहाँ के जो पंचायत में जो ग्रीन आर्मी है
उनको तैनात किया गया उसका रख रखाव के लिए। उसके अलावा वहाँ पे अगर कोई सामाजिक तौर पर अगर आपको कुछ काम करना है तो उस स्थल का यूज़ कर सकता है। और पानी की सुविधा के लिए हमने ये कोशिश किया है कि सोलार पैनल से ही उस वहाँ पे इस पानी की सुविधा हो। अगर अगल बगल में अगर कहीं पानी की बोरवेल अगर हुई है तो उसको सोलार में कन्वर्ट करने का प्रयास जारी है।